मोली सोल्ड 220 शेयर मिला, 25th क्वेश्चन, मोली सोल्ड 220 शेयर एट द रेट ऑफ 0.5% ब्रोकरेज. सी रिसीव 76,615 रुपीज इन दिस टाइम. सोल्ड क्या है, बेचूंगा तो पैसे मिलेगा. ओके, फाइंड द MRP, मार्केट प्राइस निकालना हम लोगों. तो कल मैंने बोला जब भी मार्केट प्राइस निकालना तो 100 लेके करते थे हम लोग, MRP 100 लेंगे हम लोग. तो खरीदते समय ब्रोकरेज ऐड किए थे, अब क्या करेंगे यहाँ पर लेस करेंगे. ओके ना, बस नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, कितने शेयर सोल्ड किए हो, 220. ब्रोकरेज 0.5%. कितना अमाउंट रिसीव की है, 70. हम लोग क्या चाहिए, MRP. अरे बच्चों अब देखो, इतने पैसे आपको मिले हैं और इतने शेयर हैं, तो डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, इतने पैसे कभी मिले जब 220 शेयर बेचे तो ना. आफ्टर सेलिंग द 220 शेयर आई गॉट 76,650 ना. 220 शेयर पे इतने पैसे मिल रहे, तो एक शेयर पे कितने मिलेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा. जब भी वन शेयर का अमाउंट निकालो तो डिवाइड करो. ओके, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन शेयर, अमाउंट रिसीव ऑन वन शेयर इक्वल टू टोटल अमाउंट रिसीव अपॉन नंबर ऑफ शेयर 76,615 अपॉन 220 348.25 पक्का. यानी एक शेयर पे मेरे को इतने पैसे मिल रहे हैं, बराबर है. ओके, नाउ अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन शेयर, अमाउंट रिसीव ऑन वन शेयर इक्वल टू MRP माइनस ब्रोकरेज, माइनस करने आ. ओके, MRP 100 लेते हम लोग और ब्रोकरेज 0.5, तो कितना आ जाएगा, 99.5% लिखते हैं हमेशा. जब MRP निकालने वाला रहेगा ना तो 100 MRP को लेने का, 100 माइनस 0.5 कितना आ गया, 99.5%. देयरफॉर MRP इक्वल टू, अब देखो अमाउंट रिसीव ऑन शेयर ये है, ये भी सर, ये भी अमाउंट रिसीव ऑन शेयर, ये उन लोग के डेटा के हिसाब से और ये परसेंटेज के हिसाब से आया, तब दोनों को डिवाइड कर दो. तो 348.25, 99.5. कैसे करोगे, मैं बोल रहा हूँ, कैलसी पे पहले 348.25 लिखे, डिवाइड भागे का निशान डालो, 99.95 लिखो, 99.5 के आगे परसेंटेज वाले बराबर नहीं, परसेंटेज प्रेस करो, 350 आ रहा है सबको, आर कर पहले मैं जो बोल रहा हूँ, 348.25 कर, है ठीक है, आया सबको. तो जब भी MRP निकालना रहेगा, याद रखना है कि पहले अमाउंट और वन शेयर निकाल लो. कल भी हमने किया था, वो परचेज वाला था, क्या फ़र्क था दोनों में, कल वाले में आज में खाली ये फ़र्क था, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, ऐड किया था और परसेंटेज में आया था, अब बाद में दोनों क्या किया थे, डिवाइड किए थे. ठीक है, तो जब भी MRP निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अमाउंट और वन शेयर निकाल लो, उसके बाद अमाउंट ऑफ वन से वापस निकाल लो, लेकिन ये MRP माइनस ब्रोकरेज सोल्ड के टाइम में माइनस करो, परचेज में ऐड करो और 100 लेके करो. हाँ, क्यों 100 लेते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज परसेंटेज में दिया ना 100 पर, तो 100 माइनस 0.5 तो 99.5 क्या परसेंट, और फिर उसको डिवाइड करो. ओके,
लिली परचेज 560 शेयर ऑफ मार्केट प्राइस 380 रुपीज। कितना शेयर परचेज किया? 560। और 380 क्या है? मार्केट प्राइस। अब ये जो सम है ना, ऐसा है पहले शेयर खरीद रहा है, ओके ना। अभी तक कैसा रहता था? खाली खरीदता था या तो बेचता था, कोई एक ही काम रहता था ना। अभी तक के समय क्या होता था? या तो परचेज का समय रहता था या तो सोल्ड का रहता था। अब पहले परचेज कर रहा है, बाद में बेच भी रहा है। हम लोग बताना है कि उसको इस व्यवहार में खरीद के बेचा तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ रहेगा। मान लो 500 रुपये में शेयर खरीदा और 600 में बेच दे रहा हूँ, तो 100 का प्रॉफिट हो गया। 500 का खरीदा हूँ, 450 में बेच रहा हूँ, लॉस होगा। ओके, अब ये है तो 560 शेयर एट ऑफ द मार्केट प्राइस 380 वेयर परचेज एंड आफ्टरवर्ड इसके बाद सोल्ड देम, बेच दिया विद द मार्केट प्राइस ऑफ 450 पर शेयर। 380 के हिसाब से खरीदा था और 450 के एमआरपी पे बेच दिया, बराबर है। सी हैड टू पे 0.2% ब्रोकरेज फॉर द बोथ द डील। ब्रोकरेज मतलब एजेंट के थ्रू किया। अब बोथ द डील, बोथ मतलब दोनों, मतलब खरीदते समय भी कमीशन दिया है और बेचते समय भी कमीशन दिया है। खरीद रहा है तब भी एजेंट्स के थ्रू खरीदा और बेच भी रहा है तो भी एजेंट के थ्रू खरीदा, और दोनों पे कितना कमीशन देना पड़ रहा है? खरीदते समय भी 0.2% एंड सोल्ड के टाइम पे भी 0.2%। फाइंड द परचेज एंड सेल्स अमाउंट, तो बताओ कितना उसको खरीदने में लगा रहेगा पैसे, कितना सोल्ड किया रहेगा, एंड ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट सी गेन। 11 में पढ़े रह गए आपने गोल्डन रूल अकाउंट्स के अंदर, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो गेन यानी प्रॉफिट, गेन यानी प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। तो अब थोड़ा क्वेश्चन का जो लेबल है ना वो हाई होएगा। तब इसमें क्या है, परचेज किया एजेंट के थ्रू, फिर उसके बाद उसने क्या किया, एजेंट के थ्रू ही बेचा है। हम लोग को परचेज का अमाउंट निकालना है, सोल्ड का अमाउंट निकालना है, अब बाद में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। ओके, क्वेश्चन रीड कर दो मैडम। पहले क्या करेंगे बच्चों, परचेज, कितना शेयर परचेज किया है, नंबर ऑफ शेयर परचेज, हाउ मेनी शेयर परचेज, 560। ओके, एमआरपी क्या है, 380 रुपीज। ओके, अब ब्रोकरेज कितना है, पहले परचेज पे कॉन्सेंट्रेट करने का, सोल्ड बाद में करने का। तो नंबर से आपने परचेज किया 560, एमआरपी दिया है, अब ब्रोकरेज दिया है। ओके, पहले इतना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रोकरेज ऑन वन शेयर इक्वल टू एमआरपी इनटू रेट। एमआरपी है 380 और रेट है 0.2%। संजना बोलो, क्या संजना है ना, कितना आ रहा है पक्का? इतना क्या ब्रोकरेज वन शेयर, एक शेयर पे आया, खरीद रहा हूँ तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, ऐड करते हम लोग। तो कॉस्ट ऑफ वन शेयर, कॉस्ट ऑफ वन शेयर एमआरपी प्लस रेट, ऐसा है प्लस ब्रोकरेज। ओके, एमआरपी है 380 और 0.76, तो 380.76 F1, यानी एक शेयर इतने मिल गया, बराबर है। एक शेयर खरीदने में आपको कितना लग गया टोटल, 380.76। आपने कितना शेयर खरीदा है, क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, नंबर दिया है ना, एक शेयर को इतना पड़ रहा है। जब हम लोग को एक का निकालना तो डिवाइड करना है, ओके ना, एक निकालना है तो डिवाइड करना है, और एक दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। इस तरह से टोटल कॉस्ट ऑन परचेज, टोटल कॉस्ट ऑन परचेज, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, कॉस्ट प्राइस है वन शेयर का 380.76 और वो 560, 2 लाख
13,225.6 पक्का राइट एकदम राइट। मुझे क्यों शक हो रहा है, कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर कहाँ है भाई? फाइव सिक्सटी इंटू 380.76 बराबर रे। ओके चलो आगे, इतना यानी कि उसने कितना पैसा खर्च किया था खरीदते समय, 2,13,225.6 इतना आपने खर्चा किया है। अब देखना है कि बेच के कितना पैसे आ रहा होगा, ओके ना। अब सोल्ड भी करना हम लोग को, समझ में आ रहा है? तो अब वही कहानी करना हम लोग को, लेकिन अभी तक क्या किए थे, सोल्ड अलग किए थे अलग समय और पर्चा अलग समय किए थे। हाँ लेस करेंगे ना, वही मतलब फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब। हाँ यस। चले अभी आगे हम लोग, एक क्या हुआ परचेज का हुआ, अब सोल्ड का करेंगे। हाँ तो नंबर शेयर तो वही सोल्ड कर रहा है, उतने शेयर सोल्ड कर रहा है, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड 560। सोल्ड के टाइम एमआरपी कितना है? 250। हाँ वो क्या भाई? और रेट ब्रोकरेज कितना है? 0.2% बराबर है, वही कहानी है। चलो अब पहले ब्रोकरेज ऑन वन शेयर निकालो, ब्रोकरेज ऑन वन शेयर, नो नीड टू राइट द फार्मूला अगेन। वो हो गया एमआरपी कितना है 450 इंटू 0.2% तो 0.9 आ गया, बराबर है। क्या मालूम अब लिखते हम लोग अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन शेयर, यहाँ क्या था बराबर है वो 0.9। कॉस्ट ऑफ वन शेयर में ऐड किया था ना, अब अमाउंट रिसीव क्या करेंगे लेस करना है, तो एमआरपी माइनस ब्रोकरेज 450 माइनस 0.9 तो 449.1 अमाउंट रिसीव हुआ वन शेयर हो गया। ओके एक शेयर पे आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, तो इतने शेयर पे कितने पैसे मिलेंगे मल्टीप्लाई कर दो, एक शेयर बेचने पे इतने मिल रहे ना, तो आपने इतना शेयर सोल्ड किया है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आ रहा है स्क्रीन पे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना आएगा, क्या करेंगे हम लोग अमाउंट रिसीव ऑन वन शेयर इनटू क्या आएगा नंबर ऑफ शेयर। ओके अमाउंट रिसीव ऑन वन शेयर 449.1 इनटू 560 सॉरी 2,51,000 हाँ लिखा 496.9। ओके अब आपने बेचा तो कितने पैसे मिला आपको 2,51,496 और खरीदा था तो कितना मिला दिया था आपने 2,13,250 खरीदा हूँ और बेचा हूँ 2,51,496 में, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? कैसे प्रॉफिट होगा ना, हाँ 10 रुपये का खरीद के 12 में बेचोगे तो क्या होगा प्रॉफिट है? तो 2,13,000 में खरीदे हो और 2,51,000 में बेचो, ये ज़्यादा किया जाता है, तो ज़्यादा में बेच रहे हो ना तो प्रॉफिट होगा ना। प्रॉफिट इक्वल टू टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल अमाउंट रिसीव 251,496 माइनस 213,225.6 लेस कर दो, सही रहेगा।
सब लोग कैलकुलेटर पे भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। नहीं आया? नहीं कर देते क्या? पर बाप इतना बड़ा सवाल आएगा, वो सम का लेंथ मत देखो, जस्ट कॉमन सेंस क्या था। अब वो परचेज का कहानी है, सोल्ड का कहानी है। ओके, तो ब्रोकरेज है वन शेयर, तो एम आर पी इंटू रेट। और एग्जाम में याद रखने आया, जो अभी तक जितने कल तक किए ना सम, वो कुछ भी नहीं आने वाला है। आई कराई के कराई, इसलिए क्या वो नहीं कराता तो ये परचेज और सेल का वही तो किए ना। अब डायरेक्ट करता तो आता क्या? तो ये पूरा परचेज है, पूरा सेल। तो इस चैप्टर में जो सम, बाकी चैप्टर में सब पाँच पाँच मार्क का सम आएगा, शेयर वाले चैप्टर से सात मार्क का सम आएगा, एक एक सम सात रहेगा। और आपका जो पेपर पैटर्न रहता है ना, कोई चैप्टर को ऑप्शन नहीं छोड़ सकते आप, हर एक चैप्टर से रहेगा पाँच पाँच क्वेश्चन करना, ऐसा पैटर्न था एफ आई वी का। वो बचपन की तरह नहीं, ट्वेल्थ इलेवेंथ में पाँच चैप्टर उसी का है, तो दो चैप्टर छोड़ देने का, तीन ही आगे पढ़ने का, तो ही पास। अब आपको जो चैप आएगा वो हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना ही रहेगा, ओके ना। तो ब्रोकर वन सर एम आर पी इंटू रेट। सर पेपर पैटर्न छोड़ो, पहले पेपर होएगा क्या वो बताओ ना। कॉस्ट ऑफ वन शेयर एम आर पी इंटू प्लस ब्रोकरेज, वो ऐड कर दो। टोटल कॉस्ट कितना रहेगा, एक का कॉस्ट और नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर दो। वैसे अब यहाँ पे सोल्ड का करना है, ब्रोकरेज क्या करेंगे लेस। तो आगे आपको एक शेयर पे अमाउंट रिसीव्ड आया, एक शेयर पे इतना मिल रहा है, तो 560 पे कितना मिलेगा मल्टीप्लाई कर दो, इतना 251। पैसे ज़्यादा मिल रहा, मैंने खर्चा किया खाली 213, तो पैसे ज़्यादा मिल रहा मतलब अपने को प्रॉफिट है। हो सकता है समझ में आवाज बनी हो, कुछ बोल रही है, बोल नहीं बोल रही है, यहाँ कुछ समझता है। काम तो वही किया ना, लेंथ बड़ा है क्वेश्चन का, लेकिन सम तो वही किया हम लोगों ने, कुछ समझते समझना नेहा। वहाँ पे सब चोर लोग। क्वेश्चन 28, आदिति इन्वेस्टेड 19,890 टू परचेज शेयर ऑफ अ कंपनी विद द फेस वैल्यू 10 ईच। आदिति कितना पैसा खर्च की है, 19,008 इन्वेस्ट करना मतलब खर्च करना, परचेज करना। तो उसने 10 रुपये फेस वैल्यू शेयर को खरीदने के लिए 19,890 का इन्वेस्टमेंट की, राइट, एट एम आर पी ऑफ 130। सी रिसीव डिविडेंड 20%, उसके पास को कितना मिला डिविडेंड, 20% डिविडेंड मिला है। ओके बच्चों, आफ्टरवर्ड सी सोल्ड दिस शेयर एट एम आर पी ऑफ 180। देखो पहले वाले समय खाली परचेज शेयर होता था, कितने रेट पे खरीदी हो, 130 के रेट पे खरीदी हो, और बेची कितने में, 180। सी हैड टू पे द ब्रोकरेज 2% ऑफ द बोथ परचेज एंड सेल, अगेन परचेज सेल दोनों पे ब्रोकरेज भी है। फाइंड द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल प्रॉफिट से लोगों को। ऊपर वाले सम इसमें दो फर्क है, एक फर्क है ऊपर वाले में नंबर ऑफ शेयर दिया जाता था ना, भी 560 शेयर खरीदा नंबर दिया जाता था, इसमें नंबर नहीं दिया, वो एक फ़र्क, और दूसरा डिविडेंड। ओके, दो फर्क है, बंद कर दो इसको, बहुत खतरनाक सम है। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आएगा तो पूरा आएगा, बराबर समझना, देखते हैं। ये आ रहा है पक्का, ओके चलो बच्चों सुनो, वन बाय वन तीन भाग में बांट दो सम को, पहला परचेज, डिविडेंड एंड सोल्ड। एक साथ सोचूंगा सब करने को तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ओके ना। हेनरी फॉयल प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल याद है उसी का, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो, तो ऐसे करना है इसको भी। क्या स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम लोग, कितना इन्वेस्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टेड 19,890 रुपये, बराबर बच्चों। एम आर पी एट द टाइम ऑफ परचेज कितना है, एम आर पी एट द टाइम ऑफ परचेज
130, फेस वैल्यू कितना है? 10. आराम से भड़को मत भाई. डिविडेंड रेट कितना है? 20%. रेट ऑफ डिविडेंड 20%. बराबर बच्चों, पहले इतना. चलो ठीक है बच्चों, इतना बाद में क्या कर रहा हूँ, सोल्ड भी कर दे रहा. चलो भी लिख लेते, कोई बेचारा नाराज हो जाए ना. तो एम आर पी ऑफ सोल्ड कितना है? 180. ओ, ब्रोकर भी नाराज रहेगा. ब्रोकर कितना है? 2% ऑन बोथ ट्रांजेक्शन ना, बोथ डील. ठीक है बच्चों, और हम लोग को क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट निकालना है. कितना शेयर खरीदा दिया क्या? नहीं दिया है. ओके ना, शेयर नहीं दिया है. ठीक है, एमआरपी मालूम है, ब्रोकरेज मालूम है. तो पहले ब्रोकरेज निकाल लेता हूँ. सो ब्रोकरेज ऑन वन शेयर कैसा आएगा? एमआरपी इनटू लेट. एमआरपी 130 है और रेट है 2%, 2.6 बराबर है. 2.6 0.26, 2.6 आ गया बराबर. ये आ गया ब्रोकर ऑन वन शेयर. हाँ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन शेयर, कॉस्ट ऑफ वन शेयर क्या आएगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ वन शेयर एमआरपी का साला माइनस परचेज कर लेना. मास पेन जल्दी पेन, इतने बाजू सामने सामने बैठिए, कर दूंगा मैं. कॉस्ट ऑफ वन से एमआरपी प्लस ब्रोकरेज खरीद रहे ना अभी. फिर बात खोली एमआरपी 130, 2.6. यार क्लास में 5-6 सर नहीं है, मैं अकेले ही हूँ, वन मैन शो. ओके ना, मेरे को कोरोना हो गया तो पूरा बैच को बंद करना पड़े मेरे को. तुम जैसे नमक हराम लोग छोड़ लो. अब मेरे को कोरोना होएगा भी नहीं, समझ में ना. मैं इतना मैं अपने आप को सेफ रखता हूँ. अरे नहीं, उतने से मत कंपेयर करो हम लोग भाई. मेरे को पाइपलाइन में रहने दो. 132.6 उसको कोरोना नहीं होता तो वो मार्केटिंग कर रहा था नानावटी तो कॉस्ट ऑफ वन से हो गया बच्चों. प्लीज आ जाओ प्लीज. इतना 132 हो गया राइट. एक शेयर इतने में मिल रहा है ना. आपने कितने पैसे खर्च किया है? तो क्या कर दूँ? डिवाइड कर दो. डिवाइड करके क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर आएगा है ना. इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया और एक शेयर कितने में मिल रहा है आपको? 132.60 रुपये में. तो नंबर ऑफ शेयर, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ वन शेयर, तो 19,890 अपॉन 132.6, 150, यानी 150 शेयर खरीदा है उसने. ओके बराबर बच्चों, यहाँ तक हो गया पहले अपना. आप घर पे जाके देखना क्या ये सब चीज़ हमने पहले किया है, सब ऐसा सब किया है. यस, वही सब किया, वही सब आपका दो पहले जो स्टार्टिंग में किया ना हम लोग, वो एक एक छोटे छोटे किए, अब वो सब कुछ जोड़ के सब एक बड़ा बड़ा सा बन रहा. तो ब्रोकरेज ऑन वन शेयर, ठीक है बच्चों, खरीदते समय ऐड कर रहे ब्रोकरेज, खाली झारखंडी लेस करेगी. अब बाद में टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ वन शेयर बराबर बच्चों. चलो फेस वैल्यू मालूम है, डिविडेंड का रेट भी मालूम है, कुछ फार्मूला है? डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको नंबर वन एक काम के. अब नंबर टू, डिविडेंड ऑन वन शेयर क्या फार्मूला है? फेस वैल्यू इनटू लेट. फेस वैल्यू है 10 और रेट है 20%, तो 2 रुपये. मतलब कैलसी आराम देने के लिए.
तो एक शेयर पे 2 रुपया मिल रहा है आपको। कितना शेयर है आपके पास? 150। क्या कर दूँ? एक शेयर पे 2 रुपया मिल रहा है और 150 शेयर है तो कितना मिलेगा टोटल? 300 रुपया मिलेगा। एक शेयर पे 2 रुपया मिल रहा है ना आपको और 150 शेयर आपके पास, तो टोटल डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड ऑन 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड 1 से 2 रुपये और ये तो या 300 रुपये। ओके, ये डिविडेंड भी आपके लिए क्या एक तरह का इनकम है, तो अभी 300 रुपये का इनकम हुआ। ठीक है बच्चों, डिविडेंड लेके मैंने क्या किया, शेयर मार्केट में बेच दिया हूँ। अब कितने बेच रहा हूँ? 180 में बेच रहा हूँ। डायरेक्ट बेच रहा हूँ कि एजेंट के थ्रू? बोथ, दोनों डील। अब तीसरा काम करेंगे हम लोग, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। फार्मा तो लिखे हो, फार्मा मत लिखो। अब MRP क्या लिखूँ? 180। सेल वाला या खरीदते समय वाला? अभी बेचने वाला। और रेट कितना है? 2%, 3 रुपया 60 पैसा। ठीक है, अब यहाँ तक कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। अब यहाँ लिखेंगे अमाउंट रिसीव ऑन 1 शेयर। खरीदते समय कॉस्ट लिखते हैं हम लोग, कॉस्ट एंड लागत मूल्य, कितना खर्चा हो मेरा। बेचते समय मुझे खर्चा नहीं हो रहा, क्या होगा? पैसे मिलता है तो रिसीव वर्ड यूज करने का। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 शेयर, अमाउंट रिसीव ऑन 1 शेयर, MRP माइनस ब्रोकरेज 180 माइनस 3.6 तो 176.4 बराबर है। एक शेयर पे अब इतने पैसे मिल रहे थे और आपके पास कितना शेयर है? तो क्या करूँ? मल्टीप्लाई तो आपने मिल जाए टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कभी खत्म होगा सर? टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ओके, अमाउंट रिसीव ऑन 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। अमाउंट रिसीव ऑन 1 शेयर कितना है? 176.4 और 150। क्या 26,460। यानी आपको इतना पैसे मिल रहा है बेचकर। अपने 150 शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे लगाया था? 19,890। वो व्यापारी है ना, दुकान वाला एकदम मस्त। तो बाकी सब लोग भी तो व्यापारी लोग, एक दो लोग को छोड़ के, तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे आंसर? हाँ, संजना है, अभय है, अमन है, गुप्ता जी उधर, रंजीत जी हैं। हाँ, तो ये लोग क्यों नहीं दे रहे? दीपक है, नेहा भी तो थी बिजनेस लाइन में, तो ये क्यों नहीं दे रहे? ये दोनों का बाकी, आप लोग का भी कुछ है क्या? आपका ये भी है भाई, आपका भी कुछ है क्या? सब वही है भाई, आपका भी कुछ है? मौर्य आपका कुछ है? चल, तो इतने रुपए आपने लगाया था और आपको आपको मिला कितना? तो क्या कर दूँ? कैसे? इतना खर्चा किया, इतना मिल रहा, घटा दो तो माइनस कर दो तो मिल जाए प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल, बेचने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल कॉस्ट और टोटल इन्वेस्टमेंट 26,460 माइनस 19,890 70। हाँ बोलो बोलो, 6,570 ना, 65,000 कौन? तो 6,570 रुपया प्रॉफिट हो गया। वेट, इतना आ गया आंसर? सुनो, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। अभी इतना तो आपने बेचा था, वो मिला ना पैसा, वो बेच के मिला, और प्लस 300 रुपया कंपनी आपको अलग से डिविडेंड भी तो दिया था।
आपने जो बेचा उससे जो प्रॉफिट होता हो ही रहा है, अपना जो कंपनी आपको डिविडेंड इंटरेस्ट देगा वो भी तो मेरा इनकम है, इसलिए इधर लिखने हैं नेट प्रॉफिट। चौथा काम कर रहे, चौथा काम बाप रे, नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट ऑन सेल प्लस डिविडेंड। प्रॉफिट ऑन सेल है 6570 और प्लस 300 रुपये 6870, इतना रुपए बाप रे, ये सवाल है, ये तो बवाल हो जाए। इधर पहले ब्रोकर ऑन वन शेयर MRP इंटू रेट, ओके, उसका कॉस्ट ऑफ वन शेयर। जिन बच्चों को पहले का ऐसा बेसिक से धीरे धीरे समझा रहेगा तो उनके लिए इजी होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, और जो लोग पहले का नहीं समझे रहेंगे उनके लिए तो आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सकते। MRP इन प्लस ब्रोकरेज, एक का कॉस्ट मालूम है, इतना पैसा लगाए हो, डिवाइड कर दो तो अपने नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है? 20% तो फेस वैल्यू टू रेट। एक शेयर पे अगर 2 रुपये मिल रहा है तो 150 शेयर है तो 300 रुपये हो गया। ब्रोकरेज है वन शेयर, अगेन अब क्या करें, सोल्ड का कर रहे हैं हम लोग तो MRP इंटू रेट, और सोल्ड कर रहे तो माइनस करना है। एक शेयर पर इतने पैसे आप रिसीव कर रहे हो, और कितने शेयर आपके पास? 150, तो मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट रिसीव। अपने पॉकेट से खरीदते समय कितना पैसा लगाया था? इतना। अब जब बेच रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 26,000, तो पैसे ज़्यादा मिल रहा है ना, तो अपने लिए प्रॉफिट। ऐसा हमेशा गारंटी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट होएगा, कभी कभी हो सकता है 19,000 तो लगाया था लेकिन बेचने पर 18,000 ही मिल रहा है, तब तो लॉस हो सकता है, तो उल्टा कर देंगे। ये प्रॉफिट है, ये जो डिविडेंड मिलता है ना वो भी अपने लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो लास्ट में दोनों क्या करने हैं? ऐड कर दो। थोड़ा बहुत कुछ समझता है, कुछ समझत बनी हो आप? चलिए अभी एक दो सम करके तो आएगा, धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। नेहा जी उधर सब लोगों को 44 गॉट 320 शेयर ऑफ द कंपनी फेस वैल्यू 10 इज, कितना शेयर गॉट मतलब परचेज। अब देखो नंबर ऑफ शेयर दे दिया, 320 शेयर परचेज ऑफ अ कंपनी फेस वैल्यू 10 इज एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 120, 10 रुपये फेस वैल्यू था और 120 उसका मार्केट प्राइस है, राइट। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद सी रिसीव डिविडेंड 40%, कितना डिविडेंड मिला उसको? 40%। आफ्टर 6 मंथ सी सोल्ड द शेयर एट अ मार्केट बाय 160, डिविडेंड लेने के बाद क्या किया उसने? शेयर बेच दिया, कितने में? 160। सी पेड ब्रोकरेज 0.4% फॉर द बोथ द ट्रांजेक्शन, बोथ द मतलब परचेज पे भी और सेल पे भी। फाइंड हर नेट गेन, सेम सम वैसा ही है, खाली फ़र्क क्या है, वो वाले में नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया था, इसमें नंबर ऑफ शेयर दे दिया, बस इतना ही फ़र्क है। मैडम क्या चली पड़ी की बहन, कितना शेयर उससे गॉट? गॉट मतलब परचेज, तो 320 शेयर खरीदिए, राइट। क्या फेस वैल्यू है? 10। फेस वैल्यू का यूज़ कहाँ पे करते? डिविडेंड के लिए। MRP परचेज टाइम में 120 था, बाद में 40% क्या मिला उसको? डिविडेंड मिला है, राइट। और फिर उसके बाद उसने वो टाइम, वो जो 3 महीने 6 महीने थे उसका कुछ रोल नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट द टाइमिंग। सोल्ड कितने में क्या है? 160 में, एंड द ब्रोकरेज है 0.4% ऑन बोथ ट्रांजेक्शन है, ओके। देखो पहले ब्रोकरेज ऑन परचेज, ब्रोकरेज ऑन वन शेयर, तो क्या आएगा? MRP इंटू रेट। MRP परचेज का था 120 और रेट है 0.4%, तो 0.48 है। चलो कॉस्ट ऑफ वन शेयर, कॉस्ट ऑफ वन शेयर MRP प्लस ब्रोकरेज बराबर है खरीद रहे ना, MRP 120 और 0.48,
यानी एक शेयर पड़ गया 120.48 में, बराबर उधर पे दोनों गुप्ता जी, ये आ गया, एक शेयर इतने में पड़ रहा है, कितना शेयर खरीदे हो? तो दोनों को गुणा कर दो तो क्या आएगा? टोटल अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम लोगों को बाद में प्रॉफिट लॉस निकालना है ना। आपको बोले कितना प्रॉफिट हुआ, तो पहले आप देखो ना कितना खर्चा हुआ मेरा और कितना मैंने बेचा हूँ। दुकान पे बैठती हूँ ना तो समझ, दुकान में सामान जो अभी घर में आता है क्या, घर से आता है कि बाहर से लाते हो? तो बाहर से लाते हो तो उनको देना भी पड़ता है ना। तो मान लो 500 रुपये का माल मंगवाए हो और आपने 600 में बेचा उसको, तो 600 में बेचा 500 मंगाया था, तो 100 रुपये प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है ना? ओके, बराबर। ऐसा तो नहीं करती ना कि 600 का सामान मंगाती हो और 400 में बेचती हो, पक्का ना? ओके, कॉस्ट ऑफ वन शेयर, शुड आई गो टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब दुकान टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? कॉस्ट ऑफ वन शेयर, ओके, इनटू नंबर ऑफ शेयर। जब नंबर दिया है तो मल्टीप्लाई करना है, नंबर पूछा जाता तो डिवाइड करते हम लोग। 120.48 इनटू 120.48 into 320, चलो इतने रुपए आपने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, बराबर है? चलो कितना मिनट हुआ है? 37 हो गया है, अब हो जान जा, छोड़ो जान दे। चलो अब डिविडेंड कितना मिल रहा है? 40% डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू रेट, फेस वैल्यू 10 और रेट है 40%, तो 4 रुपया एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है, बराबर है? 4 रुपये एक शेयर पे मिल रहा है, कितना शेयर मेरे पास? 120। क्या कर दूँ? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल डिविडेंड, यही नहीं समझते कब मल्टीप्लाई करने कब डिवाइड करने है। टोटल डिविडेंड, डिविडेंड ऑन वन शेयर इंटू 4 into 320, 1280 रुपये, इतना आपका डिविडेंड मिल गया, बराबर है? अब मुझे शेयर को बेचना है, कितने में? 160 में। डायरेक्ट बेच रहा हूँ कि एजेंट के थ्रू बेच रहा हूँ? एजेंट, तो पहले ब्रोकर निकालो, ब्रोकरेज ऑन वन शेयर, फार्मूला तो लिखी थी हमने, एमआरपी है 160 इंटू 0.4%, तो 0.64। अब क्या निकालते हैं? अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन शेयर कैसे आएगा? अमाउंट रिसीव ऑन वन शेयर, बोलो बोलो, एमआरपी माइनस ब्रोकरेज, एमआरपी है 160 माइनस 0.64, 159.36। एक शेयर बेचूंगा तो कितना मिलेगा? 159.36। कितना शेयर बेचना है मेरे को? तो टोटल कितने पैसे मिले रहेंगे? तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ऑन वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, 159.36 इनटू 320, क्या 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 25। हाँ सर, मत रे मेरे को, 159.36 इंटू 320 50,995.2 छुड़ैल
50,995.2 आएगा। पकाते रहिए। ओके बच्चों, आपने 320 शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे लगाया था? 38,000। ओके, और उसको बेचा तो कितना मिला? तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट 99 माइनस 38,553.6 कितना गया? 412 बराबर है, इतना प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे? और डिविडेंड को ऐड करने आ, तब टोटल प्रॉफिट आएगा। तो इधर कर देता हूँ, थोड़ा उसको ऊपर कर दे। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस डिविडेंड 441.6 प्लस 1280 ऐड कर दो, 6,112,67,31 ये आएगा आंसर। सब वही पैटर्न पे कर रहे, खाली खाली यहाँ पे क्या किए, वो वाले सवाल में अमाउंट दिया था तो डिवाइड करके नंबर आया था, अभी इधर नंबर दिया था तो मल्टीप्लाई किए थे। तो पहले ब्रोकरेज वैसे निकालो, कॉस्ट ऑफ वन शेयर, एक का इतना कॉस्ट है तो 320 शेयर का कितना कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर लिया। डिविडेंड फेस वैल्यू इंटू रेट, एक शेयर पर इतना तो 320 शेयर पे मल्टीप्लाई कर लो। सोल्ड का ब्रोकर निकालो पहले, और अमाउंट रिसीव तो लेस करते हैं, एक शेयर पे दैट मच तो 320 शेयर पे मल्टीप्लाई, इतने पैसे आपको मिल रहा है बेचने पे और इतना आपने क्या किया था, खर्च किया था, तो माइनस कर दो तो यू गेट अ प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट कैसे आएगा, उस पर डिविडेंड भी क्या करना है, ऐड करना है। थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है?